कोरोना वैक्सीन को लेकर मध्य प्रदेश का इंतजार अब खत्म हो गया है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भोपाल पहुंच चुकी है। मुंबई से यह पहली वैक्सीन लाई गई है जिसमें 94,000 टीके हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की यह पहली खेप मुंबई से शेड्यूल फ्लाइट से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंची। विमान के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग के इंसुलेटेड वैन एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वैक्सीन आने के बाद इसे वैन में रखा गया और स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन को स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा दिया। कमला पार्क स्थित वैक्सीन सेंटर पर इसे रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इंसुलेटेड वैन में 7 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बनाए रखते हुए वैक्सीन को वैक्सीन सेंटर तक लाया गया है। लोगों तक वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि 16 जनवरी से टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारण ने बताया, पहले चरण में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। एमपी को पहले चरण में मिले 5,650 वैक्सीन डोज हैं। चौहान जी के दिशा निर्देश पर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी हो गई है। 16 तारीख को हमारे यहाँ वैक्सीनेशन पूरी तरह से होगा पूरे प्रदेश में। उसकी पहली खेप आज ही 13 तारीख को भोपाल में 11:25 पर आ रही है। दूसरी खेप हमारी इंदौर में आएगी जो लगभग 4:10 पर आएगी। तीसरी खेप हमारी जबलपुर में आएगी जो लगभग शाम को 6:10 पर प्लेन के द्वारा आएगी। चौथी हमारी खेप 14 तारीख को कल ग्वालियर में आएगी। लगभग 5,06,050 हमें पहले चरण में ये डोज मिल रहे हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं। हमें लगभग 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।